हेलो दोस्तों, दिस इज महावीर जैन और मैं आज फिर से एक नए वीडियो के साथ, नए कोर्स के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और आज का जो हमारा कोर्स है वो एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, और स्पेशली जो बच्चे आफ्टर 12th एक अच्छा कोर्स देख रहे हैं या जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं अपने लिए एक अच्छा बैचलर डिग्री प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनके लिए ये कोर्स बहुत ही बेहतरीन कोर्स होने वाला है। इस वीडियो को बच्चे जरूर देखें जो अभी 12th में है, या 12th अभी रिसेंटली आपने क्लियर किया है, या नेक्स्ट ईयर के लिए आप सोच रहे हैं। तो अगर आप एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए सोच रहे हैं जो ट्रेडिशनल आज तक जो आपने सुना है लाइक बीकॉम, तो कॉमर्स स्टूडेंट मैक्सिमम यही सुनते हैं कि बैचलर डिग्री करनी है, इन द सेंस बीकॉम करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, बीकॉम के अलावा भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम आज की डेट में कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे से अच्छे बैचलर डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल है। और हमने आपसे जैसे कि कमिट किया है कि आपके लिए बेहतरीन कोर्सेज लाएंगे, ऐसे कोर्सेज लाएंगे जिनका नाम अभी तक आपने नहीं सुना है, और आपको अपनी अपनी चेकलिस्ट के अंदर इसका नाम ऐड जरूर कर लेना चाहिए जो कोर्स आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का। हमारा जो कोर्स है वो है बैफ, BAF, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। वन ऑफ दी बेस्ट कोर्स है अगर आपका इंटरेस्ट है अकाउंटिंग फील्ड में और फाइनेंस के फील्ड में, तो आपको बैफ के बारे में जरूर नॉलेज लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आज आपको बैफ का कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं, और बैफ कोर्स किन कॉलेजेस में अवेलेबल है और किन कॉलेजेस में बेस्ट लेवल पे अवेलेबल है, और बैफ कोर्स है क्या, आज हम इसकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट आप जरूर देखें। अगर हम बैफ कोर्स की टाइप की बात करें कि ये किस टाइप का कोर्स है, तो ये एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, लाइक बीकॉम, बीए, बीएससी, बीबीए, इसी तरह से ये पूरा एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, और यूनिवर्सिटी कोर्स है और यूजीसी अप्रूव्ड कोर्स रहता है, और यूनिवर्सिटीज ही इस कोर्स को कराती है, यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज ही इस कोर्स को करा सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें कि बैफ कोर्स का ड्यूरेशन कितना रहता है, तो लाइक अदर डिग्री प्रोग्राम इसका भी जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर प्रोग्राम है। एजुकेशन पॉलिसी के बाद आपको जितने भी बैचलर प्रोग्राम है वो सारे सेमेस्टर बेस ही है, तो ये आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है। साल में 2 सेमेस्टर, और 3 ईयर की अगर हम बात करें तो टोटल 6 सेमेस्टर में ये डिवाइडेड रहता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि बीकॉम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको पता है कि लगभग क्या रहता है, लेकिन बैफ कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो लगभग सेम वैसा ही रहता है जो अदर बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स का रहता है। इसके लिए भी मिनिमम आपको 50 to 55% तो मिनिमम आपके पास होना ही चाहिए, और बाकी ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं उसका कट ऑफ ज़्यादा है, या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हाई स्कोर पे ही वो लेता है, तो वो आपको हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना रहेगा, और इसकी जो टॉप कॉलेजेस है उसकी लिस्ट हम आपको लास्ट में देंगे। जरूर आप इस वीडियो को पूरा देखें, और आपको वो भी लिस्ट हम पूरी देने वाले हैं। और इसके अंदर की अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी, तो मिनिमम 50 to 55% आपके पास होना जरूरी है 12th के अंदर। एंट्रेंस एग्जाम की बात करेंगे, क्या इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम भी लगता है, लाइक बीए बैफ कोर्स जो है वो पूरा नया कोर्स है, तो हम आपको बता दें कि इसके लिए सच कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कॉलेज पे भी डिपेंड करता है। जो अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराती है, और उसमें से बच्चों को फिल्टर करके अपना जो टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको अपने कट ऑफ के हिसाब से ही लेती है। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के ऊपर कि उनका कोई पर्सनल अगर एंट्रेंस एग्जाम है तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं, या कोई स्टेट के एग्जाम के थ्रू भी वो कॉलेज ले सकते हैं। अब सबसे मेन अगर हम इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें कि ये कितना महंगा पड़ने वाला है बैफ कोर्स, तो सेम लाइक अदर जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनकी जो फीस स्ट्रक्चर्स हैं लगभग इनकी इसकी भी फीस स्ट्रक्चर उतनी ही रहती है। ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हैं या प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो ये 10,000 से लगाकर 30,000 रुपये तक फीस हो सकती है, और अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हैं तो इसकी फीस हाई भी जा सकती है, लाइक 50,000 से लगाकर 1,50,000 तक भी हो सकती है, 2 लैक्स तक भी हो सकती है। इट्स डिपेंड ऑन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कि उनका लेवल क्या है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके हिसाब से फीस वेरी कर सकता है। अब दोस्तों अगर हम इसके सिलेबस की बात करें कि इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो लाइक जैसे बीकॉम में जो सब्जेक्ट्स हैं, सीए सीएस में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, लगभग वही सब्जेक्ट इसमें भी रहते हैं। अगर हम इसके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स की बात करें लगभग, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और लगभग फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स ये रहते हैं, ये डिवाइडेड रहते हैं सेमेस्टर सिस्टम पे। अगर सेकेंड ईयर के सिलेबस की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ,
लगभग ये सब्जेक्ट से रहते हैं, और थर्ड ईयर की बात करें तो थोड़ा एडवांस आ जाता है, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, इंटरनेशनल फाइनेंस, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग और प्रोजेक्ट वर्क एंड लगभग ये सब्जेक्ट्स इसमें रहते हैं। और इसके अलावा भी वेरी करता है स्कूल, पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। कुछ सब्जेक्ट्स आपको एड ऑन मिल सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट इसमें से कम मिल सकते हैं। अब अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो लाइक अदर जो यूनिवर्सिटी कोर्सेज हैं, जो लाइक अदर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, लाइक वैसे ही रहता है लगभग। अगर हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न्स की, तो सबसे पहले इंटरनल असेसमेंट जो रहता है, लाइक प्रोजेक्ट हो गया, असाइनमेंट्स हो गए, प्रेजेंटेशन हो गए, क्विज हो गई, उसके ऊपर भी 25-40% मार्क्स डिपेंड रहता है। और उसके अलावा जो एंड सेमेस्टर एग्जाम्स रहते हैं, लगभग 60-75% रिटर्न एग्जामिनेशन रहता है। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न रहता है। अब सबसे मेन अगर हम बात करें कि करियर और जॉब स्कोप क्या है, क्योंकि बैफ कोर्स हम कर तो लें, लेकिन इसमें स्कोप है या नहीं, ऐसा तो नहीं कि हम इस कोर्स में जाने के बाद हम बिल्कुल बेरोजगारी हो जाए, तो ऐसा नहीं है। बैफ कोर्स बहुत ही यूनिक कोर्स है और एक नया कोर्स है, और बहुत सेलेक्टेड कॉलेज यूनिवर्सिटीज इस कोर्स को कराती है, और जो टॉप कॉलेजेस हैं लाइक मुंबई, सबसे मेन अगर हम बात करें कि बैफ कोर्स कहाँ है, तो मुंबई में आपको मिलेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, जो मुंबई यूनिवर्सिटी है उसके जो कॉलेजेस हैं उसमें ही ये कोर्स आपको देखने को मिलेगा, और वो सारे टॉप कॉलेजेस हैं। इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें मुंबई के कॉलेजेस का नाम आता है, और स्पेशली वहाँ के कॉमर्स कॉलेजेस का नाम आता है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी ही इस कोर्स को कराती है, अधिकतर जो स्टूडेंट है वो मुंबई से ही करते हैं, और रेस्ट ऑफ इंडिया में बहुत बहुत ही रेयर है, वैसे नहीं के बराबर है, नहीं होंगे, लेकिन मुंबई की कॉलेजेस के अंदर ये कराया जाता है। और स्कोप लेवल की बात करें तो स्कोप लेवल बहुत अच्छा है। एंट्री लेवल की अगर हम बात करें तो अकाउंटेंट की पोस्ट पे आप काम कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोस्ट पे काम कर सकते हो, टैक्स कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हो, ऑडिटर के रूप में काम कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो। अगर मिड लेवल की बात करेगी, आपके पास 3-4 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया, तो फाइनेंस मैनेजर के रूप में काम कर सकते हो, सीनियर ऑडिटर के रूप में काम कर सकते हो, फाइनेंशियल प्लानर के रूप में काम कर सकते हो, रिस्क मैनेजर के रूप में काम कर सकते हो। अगर आपका 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो एडवांस रोल्स की अगर हम बात करें तो CFO लेवल पे भी आप जा सकते हो, फाइनेंशियल कंट्रोलर के रूप में काम कर सकते हो, डायरेक्टर फाइनेंस बन सकते हो, पार्टनर इन CA फर्म्स बन सकते हो। तो बैफ कोर्स का वैल्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और मुंबई में ट्रेडिशनल कोर्सेज जो रेस्ट ऑफ इंडिया चलते हैं, उस तरह से मुंबई में कोर्सेज नहीं चलते। लाइक रेस्ट ऑफ इंडिया में BBA कोर्स चलता है, जबकि मुंबई में BMS चलता है, वैसा ही रेस्ट ऑफ इंडिया में अगर हम बात करें तो BCOM कोर्स पॉपुलर है। जैसे राजस्थान या अदर स्टेट्स की बात करें तो BCOM कोर्स ही पॉपुलर है, राजस्थान में तो लाइक BF कोर्स, BF कोर्स है ही नहीं, या किसी कॉलेज के पास मैंने तो नहीं सुना है, और मुझे लगता है कि नहीं है, केवल मुंबई के कॉलेजेस के पास ही BF कोर्स है। तो अपने आप में यूनिक कोर्स है। और अगर आप CA CS नहीं करना चाहते और आप केवल BCOM कर रहे हैं, तो मेरा पर्सनल राय है आपको कि BCOM की बजाय आप BF कोर्स ज्वाइन करें, ताकि आपको स्कोप मिल सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स के नाम में ही आप देख सकते हैं अकाउंटिंग एंड फिनेंस, मींस अकाउंटिंग पूरा है और फिनेंस भी पूरा है, मींस आप इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बन सकते हो और अकाउंटेंट भी बन सकते हो, आप रिस्क मैनेजर भी बन सकते हो और आप फाइनेंस कंट्रोलर भी बन सकते हो, तो मतलब लेवल आपको मिलने वाला है। तो BF कोर्स अपने आप में एक यूनिक कोर्स है, लाइक CA CS CMA जिस लेवल का प्रोग्राम है, वैसा ही BF कोर्स के अंदर कंटेंट जो है और सिलेबस जो है बहुत ही यूनिक है। BF के बाद रिक्रूटिंग कंपनीज की बात करें तो लाइक CA CS के पास जो कंपनीज का स्कोप है, CA करके आप जिस लेवल की कंपनीज, Big 4 जैसी कंपनीज में जा सकते हैं, तो BF कोर्स के थ्रू भी आप उन लेवल तक की कंपनीज में पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट बहुत अच्छा है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले अकाउंटिंग फर्म्स हो गई, जैसे डिलॉयट, KPMG, EY, PwC, और बैंक्स की बात करें तो HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, कॉर्पोरेट्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी, TCS, इंफोसिस, विप्रो, ऐसी कंपनीज में आप जॉब कर सकते हैं। MNCs की बात करें तो एसेंशियल, कैपजेमिनी हो गया, IBM हो गया, JP Morgan हो गया, इस लेवल की कंपनीज में आप जॉब कर सकते हो। तो लाइक जिन कंपनीज का मैं आपको नाम ले रहा हूँ, ये इंडिया की टॉप कंपनीज है, टॉप कॉर्पोरेट्स है, टॉप कंसल्टिंग फर्म्स है और टॉप बैंक्स है। तो इनके अंदर आपको अगर BF कोर्स के थ्रू जॉब मिल सकती है, तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। तो डियर स्टूडेंट, अब सबसे मेन जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, अगर सैलरी लेवल की बात करें, कि हमने कोर्स तो कर लिया, कोर्स भी हो गया, कंपनी में नौकरी भी मिल गई,
नौकरी में, नौकरी का लेवल भी सर आपने बता दिया, लेकिन सैलरी क्या मिलने वाली है? क्योंकि मेन मुद्दा तो वही है कि सैलरी क्या मिलने वाली है। तो इसमें एंट्री लेवल अगर हम बात करें कि बैफ कोर्स आपने कंप्लीट किया है और उसके बाद आप किसी कंपनी में जाके अपना इंटरव्यू देते हैं, रिज्यूमे लेके पहुंच जाते हैं, तो अब आपको क्या जॉब मिलने वाली है? तो इनिशियल लेवल पे 3 to 6 लाख जो आपका एंट्री लेवल है उस पर आपको मिलने वाला है, और थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ने वाला है, मीन्स आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो मिड लेवल पे 6 से 12 लाख रुपए तक भी आप जा सकते हैं, और सीनियर लेवल की बात करें तो 12 से 20 लाख रुपए तक भी आप जा सकते हैं, और टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल पे अगर आप जाते हैं तो 20+ भी आप जा सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन पोजिशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स, ये सब आपको चाहिए। आज की डेट में आपको जॉब करनी, अगर आपने केवल डिग्री ले ली, कहीं से भी ले ली, टॉप से टॉप कॉलेज से भी ले ली, टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर से भी ले ली, लेकिन आपने अगर अपनी अदर स्किल्स डेवलप नहीं करी, लाइक बीकॉम कर लिया लेकिन कंप्यूटर नहीं आता, बीकॉम कर लिया लेकिन कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, पीडी पे आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, या आपने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर और इन बिटवीन कोर्स अगर हम बात करें कोर्स के ड्यूरेशन में आपने अदर एक्टिविटीज नहीं करी, लाइक इंडस्ट्रियल टूर्स नहीं किए, आपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर बिल्कुल नहीं लिया, या कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं दिया, वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, सेमिनार्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मीन्स आप समझ लीजिए कि वो डिग्री आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि डिग्री लेके आपको कोई भी नौकरी नहीं मिलने वाली है, नौकरी आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ आपके टैलेंट पे मिलने वाली है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि बैफ कोर्स कर लिया लेकिन अगर हम मुझे मास्टर्स करना है या फर्दर स्टडी के कोई ऑप्शन भी आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ऐसा तो नहीं कि बेफ कोर्स करने के बाद, क्योंकि कोर्स नया है, तो क्या इसके बाद आगे की हायर स्टडीज के लिए मुझे ये डिग्री काम आएगी या नहीं आएगी? तो डियर स्टूडेंट, 100% आपको ये डिग्री काम आने वाली है, और मुंबई से अगर आपने किया है, मुंबई यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है, तो मीन्स आप मास्टर्स के सारे रास्ते ओपन हैं, आप इसके बाद एमकॉम कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, आप पीजीडीएम कर सकते हैं, आप सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं, आपके पास सारे रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर आपका टारगेट सीए है, अगर आपने 12th के बाद सोचा कि मुझे सीए करना है, और सीए के साथ अगर आपने बेफ कोर्स लिया है, तो मैं ये मानता हूं कि बेफ कोर्स लेने का कोई मतलब नहीं है, उससे बेटर है अगर आप सीए के साथ कोई एडिशनल डिग्री प्रोग्राम सोच रहे हैं तो आपको बीकॉम ही लेना चाहिए, क्योंकि बेफ कोर्स अपने आप में थोड़ा हाई कोर्स है, और अगर सीए आप कर रहे हो तो सीए में वो सारे कंटेंट अवेलेबल है और सैलरी लेवल उससे बेटर मिलने वाला है, तो फिर आप सीए के साथ बेफ कोर्स ना लें, सीए के साथ आप बीकॉम ही लें, और अगर आप बीकॉम भी नहीं कर रहे हैं, सीए भी नहीं कर रहे हैं, तो आप बेफ कोर्स कर लें। लेकिन बेफ कोर्स करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो सीए करना ही है, तो बेफ कोर्स के बाद आप अगर सोचते हैं सीए करने की, तो आप कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप आगे क्या फर्दर प्लानिंग लेना चाहते हैं, अदरवाइज सारे रास्ते बाद में भी आपके लिए ओपन है। अब अगर डियर स्टूडेंट हम बात करें कि बेफ कोर्स करने के बाद आपको कोई ग्लोबल लेवल का एक्सपोजर भी मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, तो इट्स डिपेंड ऑन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कि आप जिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बैफ कोर्स करने जा रहे हैं, क्या वो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देने वाली है, ग्लोबल लेवल का कुछ आपको एक्सपोजर भी देने वाली है या नहीं देने वाली है। बट बैफ कोर्स करके आप फॉरेन कंट्रीज में जॉब करने जा सकते हैं, आपके पास सारे रास्ते ओपन हैं, आप बैफ कोर्स करके फॉरेन की कंपनीज में जॉब कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जा सकते हैं, तो ग्लोबल एक्सपोजर के नाम पे आपको बराबर मिलने वाला है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। अगर डीए स्टूडेंट हम बात करें कि बेफ कोर्स कर तो लिया, बेफ कोर्स करने के बाद में मान लो कि मैं एक छोटे होम टाउन से हूँ, मे बी राजस्थान की कोई छोटे डिस्ट्रिक्ट से हूँ, छोटे स्टेशन से हूँ, तो क्या मुझे जॉब मिल पाएगी? तो डीए स्टूडेंट्स, अगर आपने बेफ कोर्स किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से, अगर आपने किया है और आपका टारगेट है कि मुझे वापस से अपने गाँव आना है, तो बेफ कोर्स का उतना कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। इसके लिए आप बड़ी मेट्रो सिटीज का ही आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। इसकी जॉब की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बड़ी सिटीज़, जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें अवेलेबल है, लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, इस तरह की जो बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें इसके लिए आपको स्कोप खूब अवेलेबल है। स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि क्या इस कोर्स करने के लिए स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है, तो इट्स डिपेंड ऑन कॉलेज यूनिवर्सिटी।
और अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तो आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आपको दे सकती है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी आपको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि आपके परसेंटेज क्राइटेरिया के ऊपर भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, और स्टूडेंट खुद भी बहुत सारी तरह की स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अगर स्कोर अच्छा है, आपके पास मार्क्स अच्छे हैं, और अगर फाइनेंशियल आप वीकर सेक्शन से हैं तो आपको मिल सकता है स्कॉलरशिप। अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें कि बेफ कोर्स करके जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या मिल सकती है, किस सेक्टर में मिल सकती है, तो कॉरपोरेट सेक्टर में आपको मिल सकती है, बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर आपको मिल सकती है जॉब, अकाउंटिंग फर्म्स में मिल सकती है, कंसल्टिंग फर्म्स में मिल सकती है, पब्लिक सेक्टर में भी आपको जॉब मिल सकती है। तो इट्स कंप्लीटली प्रोफेशनल कोर्स, तो आपको जॉब्स की कोई ऐसी असच इशू नहीं है, आपको सारे सेक्टर्स में जॉब ओपन है। और ये एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम तो है ही है, साथ साथ में इसमें जो कंटेंट है वो आपको बहुत ही अच्छे लेवल का मिलने वाला है, तो ऑटोमेटिकली आपको हर एक सेक्टर के जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने बेफ कोर्स के बारे में पूरा आपको नॉलेज देने की कोशिश करी है, और ये एक यूनिक कोर्स है, नया कोर्स है, और वैसे बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट में इस कोर्स की ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो आप इस कोर्स का जरूर रिसर्च करें, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं और फर्दर स्टडीज के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर गोल के रूप में सोच रहे हैं कि आप कौन सा डिग्री प्रोग्राम ले सकते हैं, तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, बेफ कोर्स, BAF कोर्स, और इसके ऊपर रिसर्च आज ही शुरू करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बोला कि हम आपको कुछ कॉलेजेस के नाम जरूर देंगे, वैसे हम किसी पर्टिकुलर कॉलेज का प्रचार नहीं करते या उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, लेकिन हमने आपको पर्टिकुलर कुछ कॉलेजेस के नाम बोला था कि हम आपको बताएंगे। तो इसमें मुंबई यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस है, जैसे सबसे मेन तो नरसिंह मोहन जी हो गया, उसके अलावा जय हिंद हो गया, मिट्टी बाई हो गया, अपने आप में बड़ा नाम है, मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, उसके अलावा अचार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा नाम है, विल्सन कॉलेज है, CHM कॉलेज है, उसके अलावा हिंदुजा अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं, उसके अलावा जैसे लाला लाजपत राय कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो टॉप कॉलेज की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा भी आप मुंबई यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस को चेक कर सकते हैं, उनकी रैंकिंग के हिसाब से आप अपना फिल्टर कर सकते हैं, और अगर आपको इसके ऊपर पूरा एक वीडियो भी बनवाना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं सारे कॉलेज की कट ऑफ और सबके लिए आपके लिए एक बेफ कोर्स का पूरा एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं और मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं लगभग बेफ कोर्स कराते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो वीडियो था बेफ कोर्स के लिए, हमने आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करी है, फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो आगे भी हम आपको बेफ कोर्स से रिलेटेड छोटे छोटे वीडियोज अलग अलग टॉपिक के ऊपर देने वाले हैं। अभी हम एक जो सीरीज चालू करी है हमने, तो ये कॉमर्स के सारे कोर्सेज की है, उसके बाद हर एक पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर भी हमारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक शेयर जरूर करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं, ताकि उनको पता चले कि बेफ कोर्स क्या है, और बेफ कोर्स नाम का भी एक कोर्स है जो कि कॉमर्स स्टूडेंट अपने ड्रीम करियर के रूप में आगे परस्यू कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, थैंक यू, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।